नाम जा रहे थे खाटू श्याम, क्योंकि बोलते हैं कि अच्छा होता है इसके लिए। था अभी नहीं, क्या सीन आज का? दारू के दो पैक मार ले। दारू तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ टनाटा होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के अंदर जिसका नाम है विष्णु शर्मा ब्लॉग्स। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम, और वो भी जा रहे हैं बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था बीच में, बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हो रही थी तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया था। अब मैं स्टेबल हूँ हर चीज़ के अंदर, तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो मैं उठ चुका हूँ, अब देखते बाकी लोग सारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और मेरे को आज जल्दी से गाड़ी भी धोनी है क्योंकि हमें निकलना है जल्दी से। तो मिलते हैं गाड़ी धोने टाइम। तो गाइज, ये आ चुका है मेरा नाश्ता, चाय नमकीन वगैरह, और मेरा चल रहा है यहाँ पे ब्लॉग, और टाइम हो रहा है 10:45। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और चलते हैं सीधा गाड़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम हो गए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ गाड़ी साफ़ करने के लिए, और गाड़ी साफ़ करने के लिए बाल्टी पानी में लेके आ चुका हूँ, और उसकी हालत देख सकते हो। इस सारी यहाँ पे ना चिड़िया वगैरह बैठती हैं तो वो बीट वगैरह कर देती हैं। तो गाड़ी साफ़ करते हैं जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ गाड़ी साफ़ करने के बाद कैसी लगती है, कैसी लगती है। तो गाइस, फाइनली गाड़ी हो चुकी है धुल के रेडी। तो गाइस, मेरा चेहरा देख सकते हो गाड़ी धोने के बाद मेरा चेहरा कैसा हो गया, और भाई जा रहे टिक्की खाने। शाबाश। तो मिलते हैं जल्दी से नहा के, चलते हैं घर की तरफ। तो मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही है, और मम्मी कर रही है नाश्ता पराठे का, पूजा नहा रही है, और टाइम हो रहा 10:45। क्या बना रही है तू? मम्मी के लिए नाश्ता के लिए पराठे बनाए। मम्मी पराठे बनाए? हाँ, हमारे बन गए, ये रखे पापा के बनाकर रख दिए हैं, सब्जी बची थी आलू की। सब्जी लेके जाएंगे रास्ते के लिए? हाँ, तो भारी खा लेंगे होटल में, क्या दिक्कत है? होटल से क्या, घर में बना के लेंगे। होटल में दिक्कत है कोई? तो कल खाना ही है होटल में, आज शाम को भी खाना है, दोपहर का तो खाएंगे। तो ये पराठे की तैयारी कर रही है, ये बनेगी आलू की सब्जी। तू ही बनाएगी, कौन बनाएगा? पराठे तो बन गए। ये कौन बनाएगा आलू की सब्जी? देखो दीदी बना, दीदी मैं बना दूंगी। तो ये पैसे बचाने में लग गई है आजकल, इसको पता लग गया कि हम थोड़ा सा पैसे सेव कर रहे हैं थोड़े बहुत। और ये इसको पिला रही है दूध। नाके रेडी हो गए? नहा लिया। नहा लिया ना, किसने पहना है ये, और ये पी रहा है दूध, बॉडी बना रहा है, बॉडी बना रहा। अभी ना वीडियो देख के जो चुप हो जाता है, ये भी एक्टर बनेगा रे पापा की तरह। अबे साले। और यहाँ पे पूजा ने निकाल दिए अपने कपड़े। पूजा अपने कपड़े तरह पैक करेगी, तेरे कपड़े पैक हो गए? तो तू निकाले कपड़े, मैं अपने निकालूं खुद? निकाल दो, बताओ सही मुझे क्या निकालना, क्या निकालना। हाँ, तो बहुत सारे कपड़े, कोई भी एक दो जोड़ी निकाल ले। और यहाँ चल रहा ब्लॉग, और टाइम हो रहा 12, और खाना बन के हो चुका है रेडी। ये बन गई आलू की सब्जी, और ये बन गया, ये मेरी डाइट है, ये मेरी डाइट है, चने प्याज टमाटर सब डाल के। तो जल्दी से नहाता हूँ, और नहा के देखते हैं मैं कैसा लगता हूँ, बाय। तो गाइस, टाइम हो रहा है 2:10, और जो हमारा प्रोग्राम था वो हो चुका है कैंसिल। तो खाना वगैरह सब कुछ ऐसे ही रख दिया है, इसी को खाना खाएंगे, और बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताएगी तन्नू आपको। क्या हुआ है? किसानों का आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर सील कर दी। तो किसानों के आंदोलन की वजह से बॉर्डर हो चुके हैं सील। मेरा दोस्त रहता है बॉर्डर पे, हमारे आने की बारी, बॉर्डर ही सील हो गई, जस्ट ऐसे प्लान निकाला घर से निकलने। तुम्हारी किस्मत में नहीं है बाबा, तुम्हें बुला नहीं रहे हैं। जब बुलाएंगे तब। तो मम्मी ने वापस सारा सामान निकाल के रख दिया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्लान जाना कैंसिल हो चुका है। सारा वापिस रख दिया मम्मी ने, सारा पैक कर दिया था जाने के लिए। दोबारा अब लग रही सारे ने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो वापस रखना पड़ा, डबल डबल मेहनत होगी घर वालों की। और इसके कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि इसे गर्मी लग रही थी। तो मिलते हैं खाना खाते टाइम। और वैसे भी अभी हमें जाना है बैंक, क्योंकि मेरे को थोड़े से पैसे सबमिट करवाने। अच्छा। तो और इसका कोई जो इसके अकाउंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है पैन कार्ड आधार कार्ड की, वो जाके देखते हैं, और डॉक्यूमेंट सारे इसने बाहर निकाल लिए। तो चलते हैं बैंक, बैंक से खाना खाएंगे, उसके बाद का जो शेड्यूल होगा वो बताऊंगा आपको। और आज, हाँ, और आज वैसे भी है वैलेंटाइन डे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
और क्या है वैलेंटाइन डे और क्या एक दो एक चीज और है ना आज क्या बसंत पंचमी तो है। आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी वाले दिन हम जाते खाटू श्याम, क्योंकि बोलते हैं कि अच्छा होता है इसके लिए, तो वहां जाते खाटू श्याम, मारा हो गया प्लान कैंसिल। तो जल्दी से मिलते हैं बैंक जाके। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर और मैं जा रहा हूँ कोडेक बैंक तन्नू को लेके। मैंने आपको बताया था जैसे ही केवाईसी अपडेट करानी है उसकी, उसके पैन कार्ड में और आधार कार्ड में कोई इशू हो रहा है, तो आप गाड़ी देख सकते हो अंदर से कितनी साफ है, क्योंकि मैं उस दिन के बाद से गाड़ी के अंदर आज बैठा हूँ। और आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी दाढ़ी के बाल वगैरह सभी ऐसे बढ़ा रखी है, तो मैं शेविंग भी बढ़ा रहा हूँ और बाल भी बढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ नया लुक बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए झुमड़ा सा बन के रहता हूँ हमेशा। तो जब कटिंग वगैरह कराऊंगा जब देखना, बहुत डिसेंट लुक लगेगी। तो गाइस ये कोडेक के अंदर अपना केवाईसी अपडेट करवाने के लिए, इसका पैन कार्ड अपडेट नहीं था। पैन कार्ड अपडेट क्यों नहीं करवाया तूने पहले? अब होगा ना, पहले नहीं करवा सकती थी, अब बार बार राउंड मारना पड़ रहा है कोडेक के अंदर। तो उसका पैन कार्ड अपडेट करवाते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर के अंदर और जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसका आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, ना पैन कार्ड कंप्लीट है, पता नहीं क्या आई तो समझ नहीं आता सिखानी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ना आधार कार्ड अपडेट ना पैन कार्ड अपडेट। डेढ़ घंटा बैठ रहे, उसने बोला भाई टाइम लगेगा, लंच टाइम हो चुका, टाइम हो रहा है 2, तो मैंने बोला भाई बाद में कराएंगे जो कराना होगा, अभी तो घर जान दे। तो हम घर आ गए और ये आया, बोलो आप भी बोलो क्या, फॉलो कर दो कह रहा है, फॉलो कर दो। तो गाइस मिलते हैं खाना वाना खा के जल्दी से। तो गाइस मैं आया हूँ गाड़ी पे कपड़ा मारने के लिए और गाड़ी की हालत देख सकते हैं, वैसे तो गाड़ी बहुत ज्यादा साफ है लेकिन गंदी जो हो रही है यहीं से हो रही है, क्योंकि चिड़ियाओं ने कर दिया इस पे टट्टी। और ये खाले रंग के देखते हैं आज के प्रोग्राम क्या है, क्या प्रोग्राम नहीं। हाँ भाई मानव क्या सीन है फिर आज का, बताओ क्या करना आज वैलेंटाइन डे आज तो लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं वैलेंटाइन डे बनाने के लिए। लड़की नहीं है यार, आपको ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, हाँ वाला भाभी को दिखा दूंगा वीडियो, भाभी खुद ही देख लेंगे, भाभी वैसे सब्सक्राइब कर रहा है भाभी ने। क्या करना चाहिए मोहित भाई बताएंगे, मोहित भाई क्या सीन आज का? बस दारू के 2 पैक मार ले। दारू के पैक तुम ही मारोगे, अपन तो मारते नहीं भाई, बच्चे बच्चे बिगड़ जाएंगे मेरे भाई। भाई भी नहीं पीते भाई, तो फिर दारू का नहीं मारेंगे, थम्सअप का पैक मारेंगे, आज मिल के पियेंगे सारे थम्सअप और भाई की दुकान से लेंगे थम्सअप का सामान। एनएसपी चलते हैं, एनएसपी क्राउड मिलेगा, एनएसपी क्राउड मिलेगा मोहित भाई, एनएसपी क्राउड मिलेगा, बाकी तो जाम मिलेगा, ट्रैफिक वाले मिलेंगे, वो जमा करके हमें रोक लेंगे। बॉर्डर पे चले जा रहे, बॉर्डर पे भाई किसान लोग, किसान लोग ना हमें जाने देंगे ना आने देंगे, वो हमें जमा और कर लेंगे साले, तुम और जमा हो जाओ। तो भाई एक बात बताओ, आप किसानों के साथ हो गया? बिल्कुल किसानों के साथ है भाई, किसानों के साथ हो आप, सब किसानों के साथ है भाई। किसान ही ना होंगे तो चिप्स नहीं मिलने के ना कुछ मिलने का यहाँ पे, ये तो शैम्पू भी नहीं जाएंगे फिर चिप्स, किसान नहीं होंगे तो। तो गाइस मिलते हैं यहाँ से जल्दी से निकल के, देखते हैं क्या प्रोग्राम है क्या नहीं। और इसने इसको सुला दिया है, तो मैं भी सोऊंगा अब, ये तू मेरे को नींद मेरे को भी सुला दे, लोरी सुनाइए, इसे इसको सुनाते हैं, तुमको सुना दूंगी, ये मेरे को लोरी गा के सुना के सुलाएगी गाइस, तो उसकी लोरी सुनता हूँ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सोते हैं फिर देखते हैं थोड़ी बहुत देर में, सो के उठूंगा क्या करते क्या नहीं करते, आपको जो भी होगा आपको बताऊंगा जल्दी से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ जिम के अंदर, तो गाइस आप मेरा चेहरा देख सकते हो, मैं जिम करके आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और मैंने तन्नू को फ़ोन करके बोल दिया है कि तू रेडी हो जा, जो भी नॉर्मल अपने कपड़े पहन ले, तो चलते घूमने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को सुबह से टाइम नहीं मिला था और मैं भी जिम से फ्री हूँ, 9 बज रहे हैं, तो जल्दी से तन्नू को मैंने बोल दिया चलते हैं घर की तरफ और देखते हो रेडी हुई कि नहीं हुई है। तो देखते हैं रेडी हुई है नहीं हुई है, और वही हमेशा की तरह अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो जिम में से फ़ोन करा फिर भी रेडी नहीं हुई, तो आपका 5 मिनट पहले तो फोन आया, वो पॉटी करना थोड़ी सी करेगी, पॉटी निकाली नहीं निकाली उसकी, नहीं। तो गाइस की पॉटी हम रस्ते में निकालेंगे, क्योंकि अगर हम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पॉटी निकालने के लिए बैठ जाएंगे ना
तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, तो जल्दी से जो भी पहनना है पहन ले, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो आ जल्दी। तो गाइस फाइनली निकल चुके हम घूमने के लिए और मैंने अपनी वही टी शर्ट पहनी है, गर्मी गाड़ी में गर्मी लग रही है, मैंने हीटर चला रखा है एक पे क्योंकि बच्चा साथ में। तो गाइस टाइम हो रहा 9:15, 9:25 हो रहे हैं, 9:30, 5 मिनट हैं और रोड देख सकते हो बिल्कुल खाली है, थोड़े बहुत लोग ही हम जैसे पागल घूम रहे हैं इस टाइम रात के टाइम। और ये रेडी हो चुकी है, इसको लेके आ गई है, अभी रो रहा था ये गाड़ी में बैठने के लिए, पहले इसने गाड़ी चलाई मेरे साथ 5 से 10 मिनट और अभी इसके मारने लग गया। लेट करेगी ना ऐसी पिटेगी, गंदी बात कर रहा है ना, की पिट्टी कर लिया शिवा, मम्मा की पिट्टी नहीं करते बाबू, गंदी बात है ना ऐसी भी, गंदी बात कर रहे हो आप, क्या छत खोलेगा, सनरूफ वाली गाड़ी लेंगे, सनरूफ वाली गाड़ी लेनी अब, चलो सनरूफ वाली गाड़ी लेंगे जल्दी। तो गाइज देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज ये तन्नू ने लगवा ली अपनी चाप, मलाई चाप, वैसे उससे मिट्टू वाले से अच्छी है ना इसकी चाप, बहुत अच्छी है। इसके पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बताया था कि पंडित इसकी चाप खा के देखो, इसकी चाप बहुत फेमस है, उसकी गाड़ियों की भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब नंबर बहुत मुश्किल चाहता हूँ, बहुत देर में लाइन तक लग रही है जब हमारा नंबर आया, और ये खड़ा हुआ बाहर, ये अपना बाहर टाइम पास कर रहा है, और इसके लिए हमने गोलगप्पे खाएंगे, मतलब छोटी सी पापड़ी दी भैया ने खुद ही कि बच्चा है तो आप ले लो, तो इसको खाते और देखते क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, तो यहाँ से जल्दी से खा के निकलते हैं। पापा को गाड़ी चलाने दोगे नहीं चलाने दोगे? ये चलाएगा मैं। बदतमीज शिवा। ये बदतमीज है? गन्ना गन्ना शिवा। अगर छोड़ दूंगा तो देखिए देखिए। खुद ही घुमा रहा है वो। खुद ही घुमा लग जाएगा। तो गाइस ये आ चुकी है इसकी पाव भाजी। ये तो मैंने इसको रोका है। ये तो धड़ाई धड़ाई खा रही, देखो ये खाए हुए पाव दिखाऊं, देखो मैं इसको ना वीडियो बनानी है, रुक जा पूरी वहां की रुक जा। अबे साले देख खींची जा रही पावों को, मतलब खाने की तो ऐसी वो करती है, मतलब सारा कोई दूसरा है बाकी ले जाएगा, चीज खाने के लिए आती है, देखने के लिए आती है, वीडियो बनाने के लिए आती है, पहले व्लॉगिंग के अंदर ये होता है, पहले बाद में खाएंगे, पहले एक वीडियो बना लो। और देखो इसे, ये पूरी लोट मार रहा है गाड़ी के अंदर, इसे पूरा बेड का फील मिल रहा है गाड़ी में। और इस भाई से बोल भाई पाव भाजी जहाँ पे हम खाते थे वहाँ का टेस्ट चेंज किया, बट उसकी अच्छी है कि इसकी अच्छी है, है ना, और जब उसकी चाप खाते थे उससे अच्छी दूसरे वाले की मिली है ना, नई चीज मिली ना, नई चीज मिली और दो नई जगह मिली हमें। और टाइम हो रहा है आपका 10:45, तो उसको थोड़ी बहुत देर घुमाते हैं और इसकी चाव ये खा ले अपना पाव भाजी वगैरह, इसके बाद चलते सीधा घर। तो गाइस हम आ चुके हैं घर और देखो इसने खा ली, वीडियो की फ्लैश देखी है और इसकी आंखें ना मेरे ऊपर आ गई, देखो शिवी, तो ये अपनी ताकत दिखा रहा है तकिया फेंक फेंक के। और हम जस्ट 2 मिनट पहले ही आए हैं और टाइम हो रहा है 12:05, और इसके पैंपर वगैरह सब इसने निकाल दिए तन्नू ने, अब इसको पहना के बंद करेगी और ये सोएगा, है ना शिवा सोएगा, मतलब ज्यादा महंगी लुगाई नहीं है, हैं पूरे दिन तुमने ऐसे निकाल दिया, तो जिम नहीं जाऊं, खुद करिए बॉडी बना लो, बॉडी बना लो, अब जिम नहीं जाऊं, सारे दिन तुम जिम ही तो करते हो, काम नहीं करूं, क्या काम, पैसा नहीं कमाऊं, क्या काम किया, पैसा नहीं कमाऊं, आज क्या, ये चाप के पैसे कहां से आएंगे अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो, आज क्या काम किया, चाहे सो रहा था, जब सोते सोते पैसा कमा रहा था ना मैं, इतना ही बहुत है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, तो इसको ये तैयार कर रही है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, इसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जय भोले की, जय राम जी की, सपोर्ट कर दो प्लीज।